बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में चैप्टर 7 और हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। इससे पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं इक्वेशन को, और हम आज इसकी एग्जांपल 2 करेंगे। एग्जांपल 2 है, राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यूज एक्स एज वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट, नीचे आपको दी हुई है वैल्यू, स्टेटमेंट दी हुई है, उसको आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में शो करना है, लिखना है, और उसमें जो वेरिएबल आपने यूज़ करना है वो एक्स यूज़ करना है। अगर ये मेंशन ना किया होता तो आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते थे। अब उसने एक कंडीशन लगा दी है कि वेरिएबल आप जब यूज़ करेंगे इसमें तो आप एक्स यूज़ करेंगे। अब पार्ट 1 है, 1/3 ऑफ अ नंबर इंक्रीज बाई 16। ये इसको हम स्टेटमेंट कहते हैं, इसको हमने लिखना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे स्टूडेंट। अब पहले स्टूडेंट मैं इससे ही आपको बता दूं, लिखेंगे हम 1/3 ऑफ अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 16। अब ये देखें 1/3 क्या चीज है हमारे पास। 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाइड, नंबर जो हम लेंगे वेरिएबल एक्स। इंक्रीज का मतलब है ये जो 1/3 ऑफ नंबर है ये इंक्रीज हो रहा है बाई 16, तो इंक्रीज का क्या मतलब होता है, हम लगाते हैं इसमें प्लस, फिर बाई 16, तो 16 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये बन गई एक एक्सप्रेशन। और स्टूडेंट जो असल में इसको सॉल्व करने का तरीका, एक तो ये है कि आप डायरेक्ट लिख दें आंसर इसका, आप लिख दें 1/3 एक्स प्लस 16, तो ये आ गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दूसरा तरीका ये है, हम लिखेंगे लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। 1/3 ऑफ अ नंबर, ये देखें 1/3 ऑफ अ नंबर नंबर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ नंबर, इसको हम लिखेंगे 1/3 एक्स। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाइड होता है, फिर इंक्रीज बाय 16, 1/3 ऑफ नंबर इंक्रीज बाय 16, तो फिर हम इक्वल टू लिखेंगे 1/3 एक्स प्लस 16। तो स्टूडेंट ये था आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका, ये सेकंड पार्ट, ट्वाइस टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन डिक्रीज्ड बाय रुपीज 7। तो स्टूडेंट इसको सोल्यूशन फाइंड करेंगे। इसमें ट्वाइस टाइम द कॉस्ट ऑफ पेन लिखेंगे, ट्वाइस टाइम द कॉस्ट ऑफ अ पेन डिक्रीज्ड बाई रुपीज 7। अब ट्वाइस टाइम द कॉस्ट, कॉस्ट को हम सपोज करेंगे वेरिएबल, वेरिएबल आ जाएगा हमारे पास, ये देखें एक्स। ट्वाइस टाइम का क्या मतलब होता है, यानी 2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाइड कर दें या एक्स को 2 टाइम कर दें, यानी एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा। तो ट्वाइस टाइम का मतलब होता है कि 2 से आप मल्टीप्लाइड कर लें, 2 गुना कीमत बढ़ गई, 2 टाइम कीमत बढ़ गई उसकी। फिर हो गया ट्वाइस टाइम द कॉस्ट ऑफ पेन, ये होगी 2 टाइम द कॉस्ट ऑफ पेन डिक्रीज बाय रुपीज 7, तो ये हो गया रुपीज 7 डिक्रीज होगी। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास इक्वल टू 2x, 2 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन डिक्रीज बाय 7, तो ये था इसका आंसर। अब थर्ड पार्ट है स्टूडेंट इसका, 2 एडेड टू अ नंबर
multiplied by 15। तो स्टूडेंट इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसका सोल्यूशन लिखेंगे हम। सोल्यूशन में स्टूडेंट क्वेश्चन आपने रिपीट करना होता है, फिर आप रिपीट कर लें। लिखें 2 added a number, कॉमा लगा दिए, यानी कि ये एक स्टेटमेंट अलहदा होगी, आगे अलहदा आ गई, मल्टीप्लाई बाय 15। अब यहां देखें टू एडेड अ नंबर, टू का मतलब ये टू, एडेड का मतलब प्लस, एडेड अ नंबर, नंबर क्या है हमारे पास, एक्स है जो हम वेरिएबल सपोज करेंगे, और वो जो एक्स है मल्टीप्लाइड बाय 15। तो हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, 2 प्लस नंबर, नंबर 15 है, 15 मल्टीप्लाइड बाय सॉरी लिखेंगे नंबर, नंबर लिखेंगे एक्स, मल्टीप्लाइड 15 मल्टीप्लाइड बाय 15। तो ये इसकी जो स्टेटमेंट बनेगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, वो आ जाएगी 2 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड 15, फिर हम इसको ऐसे लिख देंगे 2 प्लस 15 एक्स भी लिख सकते हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट में उसने कहा 3 times द नंबर डिक्रीज बाय 4, 3 times अ नंबर, 3 times द नंबर डिक्रीज बाय 4। तो अब ये स्टूडेंट स्टेटमेंट में कभी नंबर लिख देता है, कभी वो वर्ड्स में लिख देता है। अब इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे, सोल्यूशन में लिखेंगे क्वेश्चन दोबारा, 3 times अ नंबर डिक्रीज बाय 4। अब 3 times द नंबर, लेट द नंबर आप ऐसे भी लिख लें, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स, 3 times द नंबर, ये देखें 3 times अ नंबर इज इक्वल टू 3 multiplied एक्स इज इक्वल टू 3x। फिर क्या है जी, डिक्रीज्ड बाय 4, तो डिक्रीज बाय 4 हो जाएगा, हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा वो आ जाएगा 3x-4, ये 3 times द नंबर डिक्रीज बाय 4। तो स्टूडेंट ये थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी स्टेटमेंट को हमने वेरिएबल यूज़ करके, कोई भी डिफरेंट वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हैं, हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखा। अब ये नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन के बारे में। तो स्टूडेंट आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।